एनएसयूआई द्वारा नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन ने जीएलएस कॉलेज में विद्यार्थी साथे रेगिंग मामले जिग्नेश मेवाणी की उपस्थिति में होबाड़ो कर्यो छे। जीएलएस कॉलेज खाते जे प्रमाणे रेगिंग नो मामलो सामे आव्यो हतो तेमा विद्यार्थी ने बळजबरी पूर्वक एबीवीपी ना विद्यार्थी द्वारा जय श्री राम ना नारा लगाड़ाया हता। आ मुद्दे ते विद्यार्थी द्वारा नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोंधवा माटे रजूआत करी हती, परंतु विद्यार्थी की फरियाद लेवाना बदले ते विद्यार्थी पर छेड़ती नो आरोप नाखी तेना विरुद्ध फरियाद करी देवाई छे। माटे आजे वडगाम ना धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी रूबरू में नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन आवीने अमदावाद शहर जोन 1 ना डीसीपी रविन्द्र पटेल ने रजूआत करवा पहोंच्या हता। जीएलएस कॉलेज ना कैंपस नी बार एनएसयूआई साथे जोड़ायेला दलित समाज ना एक युवक ने एनी मर्जी नी विरुद्ध बळजबरी पूर्वक धक्का मारी भाजपनो खेस एना गळा में लटकावी जय श्री राम बोलवानी फरज पाड़ी, ज्यारे एने जय श्री राम बोलवाना बदले जय भीम ना नारा लगाव्या तो एनी विरुद्ध जाति विषय के ने अपमानित कर्यो, फरी धक्का मार्या। आनो वीडियो उपलब्ध छे। आदिवासी के दलित समाज ना ना हो एवा व्यक्ति द्वारा दलित के आदिवासी समाज ने व्यक्ति नी विरुद्ध में जाहिर में लोग जोई शके एम आवुं कृत्य करवुं ए एट्रोसिटीज एक्ट की कलम 3(1)(r) मुजब गुनो बने छे। आटलू स्पष्ट चित्र होवा छता तक्षी नामना जे युवान नी साथे घटना बनी एनी फरियाद नोंधवाना बदले कलमलम अने गांधीनगर ना इशारे नवरंगपुरा पोलीस स्टेशने आ दलित समाजना पीड़ित युवकनी ऊपर एफआईआर करी एने एटलो बधो बदनाम कर्यो, एनी प्रतिष्ठाने हानि पहोंचाड़ी के ना परिवारजनों एनएसयूआईनी टीम ने अमने कही रह्या छे कि अमने आपघात करवाना विचार आवी रह्या छे। आखो गुजरातनो दलित समाज यूथ कांग्रेस ने एनएसयूआईनी साथे छे, एने कोईपण प्रकारनी उ कृत्य करवानी फरज ना पड़े एना माटे अमे पोलीस तंत्र ने प्रशासन ने कहीए छीए कि आ प्रमाणे तमे बायस वर्तन करी पूर्वग्रह साथे वर्तन करी एनी एफआईआर ना लो अने एनी विरुद्ध जे पण फरियाद लईने आवे ने गुनो दाखल करी दो। एना मधरनुं एवुं कहेवुं छे कि लोको घरे जमता हता अने ए छतां जमता जमता एमने उपाड़ी छोकराने धरपकड़ करी छे, एनी जे पोते पीड़ित छे એની સામે કઈ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે? એની સામે એક મહિલા જે અભ્યાસ કરતી હતી એણે ફરિયાદ આપેલી હતી, 323 ની NC ફરિયાદ છે।